शहडोल जिले में फिर गरजा प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस ने कुख्यात अपराधियों पर कार्यवाही करते हुए उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। आपको बता दें कि अमलाई में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के घर में जो कि अवैध रूप से बनाया गया था, जिसको शासन द्वारा बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, तो वहीं बुढ़ार के दो बैंकों में अभी हाल ही में डकैती डालने वाले आरोपी जो कि मालदा वेस्ट बंगाल थे, जिनकी सहायता करने वाले अपराधी रईस अंसारी के अवैध निर्माण को प्रशासन के बुलडोजर की गर्जना झेलनी पड़ी और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान राजस्व अमला सहित DSP यातायात अखिलेश तिवारी, SDOP धनपुरी अभिनव मिश्रा, थाना प्रभारी समीर वारसी, राजेश चंद्र मिश्रा, नर्मदा सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सर, अतिक्रमणमुक्त कार्रवाई की गई है जिले में दो जगह है, कमलई थाना क्षेत्र में एक बुढ़ार थाना क्षेत्र में। क्या कार्रवाई थी, किस तरह की कार्रवाई थी, किस किस कमलई थाना क्षेत्र में? मोहम्मद अयूब, इनका जो है लगभग 0.202 हेक्टेयर पर अतिक्रमण था, इनका अतिक्रमण हटा दिया गया है और लगभग 95 लाख इसकी कीमत है। वही दूसरा थाना बुढ़ार क्षेत्र में मोहम्मद रईस अंसारी, इनका जो है 2500 फीट पर अतिक्रमण था, जिसे भी हटा दिया गया है, इसकी कीमत लगभग 15 लाख। सर, ये क्या नाम से आपराधिक प्रवृत्ति की गतिविधियों को भी लेकर